हेलो दोस्तों, ये 9A का हैंडसेट है जो यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है, पावर पूरा गर्म हो रहा है। तो हम लोग VPH चेक कर लेंगे, VPH तो ओके है। ये मैं देख लिया हूँ पहले ही कि इसमें PMEO शॉर्ट है, तो 1.8 लाइन ओके है, PMEO लाइन शॉर्ट है। इसके चलते क्या हो गया, ये CPU पूरा शॉर्ट है। इसको हम लोग अभी CPU में काम नहीं करेंगे, पहले तो PMU लाइन को हटा के देखता हूँ कि ऑन हो रहा है कि नहीं। अगर ऑन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग चेंज करेंगे CPU को। देखते हैं, अभी पावर को उठा लेंगे पहले। जो लोग मेरा फेसबुक में देख रहे हैं वो जरूर से पेज को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अभी पावर को निकाल दिया हूँ। अब PMU लाइन जो है उसको हम लोग यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। ऐसे तो कट कर देने से भी हो जाएगा, पहले कट करके थोड़ा UV ग्लू लगा के लगा देंगे। बोर्ड में हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुका है। ये सक्सेसफुली पावर को रिमूव हुआ है, इसलिए हम लोग इसको रिवॉल्व भी नहीं करेंगे। सिर्फ एक लाइन डिस्कनेक्ट करना है। देखते हैं डिस्कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। यू वी ग्लू लगा चुका हूँ, अभी थोड़ा गर्म करेंगे, सॉरी थोड़ा इसको सुखाएंगे यूवी लाइट से। अभी पावर को लगा देंगे। ये भी कट हो चुका है पावर के एरिया पे, ताकि हमारा शॉर्ट ना हो। अगर कनेक्ट हो गया तो वो फिर से शॉर्ट हो जाएगा वही लाइन। लाइन तो अभी भी फिलहाल शॉर्ट है, लेकिन हम लोग सिर्फ डिस्कनेक्ट कर रहे हैं इसको। ये पावर को बैठा के चेक करेंगे कि हैंडसेट ऑन हो रहा है कि नहीं। हालांकि इसमें ये तो मेरे ख्याल से ऑन हो जाएगा, लेकिन ऑन होने से भी ये स्पीड चार्ज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं होगा, अगर इसमें 2 घंटे लगता है चार्ज होने में या 1 घंटा लगता है, तो वो 1.5 घंटा 2 घंटा लेगा चार्ज, फुल चार्ज होने में। ऐसे तो 100% वर्किंग ही करेगा ये। सिर्फ चार्जिंग थोड़ा स्लो होगा। ये तो लगा चुका हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है। पावर ऐसे ऑलरेडी लग चुका है।
चार्जिंग लगा के देखता हूँ कि हैंडसेट ऑन है कि नहीं है। ये देखिए भाई, ये तो ऑन हो चुका है, चार्जिंग भी स्लो होने लगा, लेकिन स्लो चार्ज तो होगा, लेकिन हैंडसेट अच्छा काम करेगा। अभी वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया।